हाय एवरीवन, वेलकम टू सैपन ट्यूटोरियल्स। तो अभी थोड़ी देर पहले आईडी एग्जाम 2021 की जो फाइनल आंसर की है वो अपडेट हो चुकी है। आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके चेक कर सकते हो और आप अपना मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हो। देखो, जो लास्ट आंसर की आई थी उसमें बहुत सारा डाउट हो रहा था। मेनली 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट था कि ये वाला सही होगा कि नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया था, क्वेश्चन चैलेंज किया था, बट अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ जो उन्होंने क्या किया हो, उस चैलेंज क्वेश्चन को सही माना। एक क्वेश्चन ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन 24 था। क्वेश्चन 24 में आपने देखा होगा, यहाँ ऑफिशियल आंसर की जब आई थी तो आंसर में क्या दे रखा था, आंसर उन्होंने सी दे रखा था, सी ऑप्शन उस टाइम दे रखा था। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे कि सी और डी, यहाँ पे एक्चुअली सी और डी बोथ हो रहा था। मतलब एक्चुअली ये क्वेश्चन देखा जाए ना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग था। यहाँ कई सारी प्रोबेबिलिटी बन रही थी, बहुत सारे चांसेस हो रहे थे कि शायद सी डी दोनों सही हो जाए। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें इन्होंने एमटीए दिया है। एमटीए का मतलब होता है मार्क्स टू ऑल, ठीक है, मार्क्स टू ऑल। तो ये जो प्लस टू, दो नंबर ये जो है ये सबको मिलेंगे, हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को। तो ये बहुत ही आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस टू, जो प्लस टू मार्क्स है वो तो सबको मिलेगा ना। सपोज किसी का 14 है तो उसको भी तो प्लस टू मिल जाएगा, तो उसको भी 16 हो जाएगा। तो जो भी कट ऑफ आएगी मेनली, देखो कल तक शायद क्या हो जाएगा, फाइनल आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो अभी आप वेट कर लो, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अभी आप क्या करो, अपना आंसर की से अपना मैच कर लो कितना आ रहा है। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि अभी मैच नहीं करना चाहिए, उसको क्या लगता है कि सिर्फ अभी क्या करे, वो वेट कर रहा होगा किसके लिए, रिजल्ट के लिए। तो रिजल्ट का वेट कर लो आप, कोई टेंशन नहीं, कल तक शायद रिजल्ट अनाउंस भी हो जाएगा। तो ये देखना है आपको, अभी आज मान लो आपने कैलकुलेट कर लिया, तो जो भी मार्क्स आता है उसके अकॉर्डिंग कौन से एनआईटी या आईआईटी जो भी हो वो मैं आपको बता सकता हूँ। थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा कि कितना आपको कौन सी आईआईटी या एनआईटी मिल सकती है, और मैंने एक रैंक प्रेडिक्शन की ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप वहां से भी जाके चेक कर सकते हो। बट इस साल का जो, अब क्योंकि अभी जैसे करेक्शन हुआ नहीं एक भी क्वेश्चन में, तो थोड़ा इधर उधर कुछ हो सकता है। तो अभी अगर आपको जो भी डाउट हो रहा होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन करके वहां से भी हमसे पूछ सकते हो। हमारा ग्रुप है तो वहां से भी आप पूछ सकते हो। देखो, अभी जिसका जो भी मार्क्स आ रहा हो, बिल्कुल आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। तो बस ये कहने वाला हूं कि आज आपको मार्क्स मिलाना हो तो मिला लो, क्योंकि कल तक आपका रिजल्ट आएगा, तो कोई टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है। चिल रहो, रिलैक्स रहो, जो होगा देखा जाएगा। और ये इसके लिए ज्यादा खुश मत होना कि ये जो प्लस टू मार्क्स है ये आपको मिल रहा है, तो ये क्यों, कोई इसका मतलब ही नहीं, क्योंकि ये सबको मिल रहा है। सिर्फ किसी बच्चे, एक स्टूडेंट को मिलता तो ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे खुद लग रहा है, क्योंकि ऐसे मैंने भी कुछ क्वेश्चंस थे जिसको मैंने कहा था कि आपसे चैलेंज करो, बट मैं, अब देखो वो तो आईएससी वाले हैं, मैं आईसर वाले, तो मैं तो उसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ ना, क्योंकि फाइनल तो उन्हीं का कॉल होता है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। बट मुझे भी ये लग रहा है कि मैंने भी स्टूडेंट्स को कहा था कि आप क्वेश्चन को चैलेंज करिए, 500 रुपीज लगता है चैलेंज करने में, वो भी वेस्ट हो गया। वेस्ट तो नहीं कहेंगे, हाँ वेस्ट कह भी सकते हैं, क्योंकि फाइनल आंसर की में कोई भी एक इंडिविजुअल एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहा जिसमें ये क्या हुआ, सही हुआ। इवन मैं क्या, बहुत सारे बड़े बड़े टीचर्स हैं, आप सब जानते हो, जिन्होंने कहा था आप ये क्वेश्चन को चैलेंज करो, बट एक फिजिकल का क्वेश्चन था वहां पे, तो पता नहीं, मुझे तो खुद ही नहीं समझ में आ रहा भी कि वो उन्होंने पता नहीं किस अकॉर्डिंग आंसर दे दिया, क्योंकि वहां पे फॉर्मूला निकालने पे, जो फॉर्मूला है उस के अकॉर्डिंग मैंने सारी यूनिट्स भी देखी थी, उसके अकॉर्डिंग भी क्या हो रहा था कि वो आंसर दूसरा आ रहा है। अब वेट करते हैं, देखते हैं फाइनल कॉल क्या होता है, कल रिजल्ट आता है, कल या परसों तक जो भी आ जाएगा, तो फाइनल कॉल जो भी होगा उसके बाद हम देख लेंगे। अब काउंसलिंग आपको जरूर कराना है, ठीक है, किसी को कोई भी डाउट होगा मुझसे पूछ सकता है, काउंसलिंग आपको कराना है। काउंसलिंग से रिलेटेड मैं आपकी सब हेल्प कर दूंगा, बस आपको अभी बिल्कुल भी आराम से रहना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, जिसका जितना भी आ रहा है, टेंशन नहीं लो, चिल रहो, रिलैक्स रहो, अभी बहुत सारे पेपर्स आने वाले। थैंक यू सो मच।